आज हम लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और वुमेन इंडिया मूवमेंट जो SDPA की वुमेन विंग है इसके जानिब से आकर पुलिस कमिश्नर ऑफ गुलबर्गा चेतन आर IPS साहब को मुलाकात करके हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करवाया और ये कहा है, ये डिमांड किया है कि इमीडिएटली FIR किया जाए प्रभाकर कल्लड़ का, प्रभाकर भट्ट पर, जिस तरीके से उसने मंडिया में जो बयान दिया है कि मुस्लिम औरतें हर दिन एक नया हस्बैंड रखती है। जब से मोदी सरकार आई है, ये मोदी सरकार ने ये ऑप्शन निकाल कर एक ही मर्द परमानेंट कर दिया है। इस तरीके के जो अल्फाज, नाजेबा अल्फाज जो कहा है, हम इसको सख्त मजम्मत करते हैं और हम सवाल पूछना चाहते हैं सरकार से, जिसने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम जिस दिन सरकार में आएंगे उस दिन हम RSS और बजरंग दल पर पाबंदी लगाएंगे। खुद प्रियंक खड़गे ये कह रहे थे, कहते कहते थक नहीं रहे थे, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर मिस्टर प्रियंक खड़गे ये कह रहे थे कि हम जो भी कम्युनल स्पीच करेंगे हम उनको पकड़कर अरेस्ट करके जेल में डालेंगे बोलकर ये बोले थे। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, कुछ नया डिमांड हम लोग यहाँ पर लेकर नहीं आए हैं, हम उनसे सवाल करना चाहते हैं कि प्रभाकर भट्ट और जो सिद्धलिंगया स्वामी, ऐसे जो जितने भी प्रमोद मुतल्लिक, ये जो बजरंग दल के RSS के जो लोग हैं, श्रीराम सेने के जो लोग हैं, लगातार मुस्लिम औरतों को जो टारगेट कर रहे हैं, जो औरत की डिग्निटी को, एक वुमेन कम्युनिटी को जो टारगेट कर रहे हैं, इनके ऊपर एक्शन कब लेंगे ये लोग, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो ये सब ये सिर्फ बात करने वाले लोग हैं, जबकि आप देखिए कर्नाटका में 75 लाख वोटर्स मुस्लिम्स हैं, उसमें से 55 लाख वोटर्स इस बार कर्नाटका में इलेक्शन में वोट दिए हैं, उसमें कांग्रेस को 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने, मुसलमानों ने वोट दिया है। जो कांग्रेस को जितने वोट मिले हैं उसमें से 30% से ज़्यादा मुसलमानों के वोट है, तब जाकर कांग्रेस सत्ता में आई है। लेकिन कांग्रेस ने जो वादे किए थे अपनी मैनिफेस्टो में, जो लिखा था कि हम जीतने के बाद इमीडिएटली हिजाब आपको वापस देंगे, आपके ऊपर जो भी कम्युनल स्टेटमेंट्स दिया गए हैं उसको हम एक्शन लेंगे और आपके औरतों की हिफाजत हम लोग करेंगे, मस्जिदों की हिफाजत हम लोग करेंगे, खानकाहों की हिफाजत हम लोग करेंगे, ये तमाम चीज़ें कहा था। लेकिन क्या हो रहा है, खुद गुलबर्गा के अंदर एक कई मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर, क्या काम कर रही है सरकार। आज 2 दिन हो गया औरत के ऊपर इतना बड़ा एक बयान देकर कल्लड़ का, प्रभाकर भट्ट का, लेकिन एक 100 मोटो केस बुक करने के नहीं हुआ आपके पास, 100 मोटो केस बुक नहीं कर सकी ये सरकार। तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ वोट लेती है, वोट लेकर 75 साल इन्होंने यही किया है। तो हमें भी सोचना चाहिए, जितने लोगों ने वोट दिया है कांग्रेस को, इनसे सवाल पूछना चाहिए। खुद मोहतरमा कनीस फातिमा 2 दिन पहले हिजाब के बारे में इतना अच्छा बयान दिए थे, मैं पूछना चाहता हूँ मोहतरमा कनीस फातिमा जी, मुस्लिम औरतों के बारे में इतना बड़ा बयान, इतना खतरनाक, इतना एक गंदा बयान का लड़का भरपाकर भट्ट का आया, आपने क्या किया, क्या आपने पुलिस को बात करके FIR बुक किया, क्या आपने 100 मोटो केस बुक करवाया, क्या आपने सरकार से बात किया, क्या आपने एक स्टेटमेंट जारी किया? तो ये बहुत ही शर्म की बात है, इसी को हम कंडेम करते हैं और हम आवाम से भी अपील करते हैं कि आप लोग जरूर सवाल पूछिए सरकार में, आप सिर्फ वोट दिए देकर खामोश ना बैठे, सरकार से जरूर सवाल पूछे।